दोस्तों, क्या आप सोच रहे हैं कि सपने में आंधी देखना किस बात की ओर इशारा करता है? या आपने हाल ही में सपने में आंधी तूफान देखा है और उसका मतलब ढूंढ रहे हैं? इस वीडियो में हम आपको सपने में आंधी तूफान देखने का पूरा अर्थ बताएंगे। दोस्तों, सपने भविष्य में होने वाली घटनाओं को हमें पहले ही बता देते हैं। अधिकतर लोग सपनों को सुबह होते ही भूल जाते हैं और कुछ लोग सपनों के संकेत समझने में सफल रहते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो जो कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है वही सपने में दिखाई देता है, लेकिन यह भी सत्य है कि सपने में देखी गई चीजों का भी गंभीर मतलब होता है। जैसे आपने सपने में कभी ना कभी आंधी तूफान या तेज हवाएं देखी होंगी, पर क्या आप उन सपनों का अर्थ समझ पाए? तो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी ग्रंथ चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर सपने में आंधी तूफान दिखाई देते हैं तो उनका अर्थ क्या होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर साधारण अर्थ की बात की जाए तो सपनों में आंधी या तूफान का दिखाई देना यह संकेत देता है कि आपकी असल जिंदगी में भी कहीं ना कहीं तूफान जरूर आने वाला है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आपके पारिवारिक जीवन में या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को अपने प्रोफेशनल लाइफ के कारण अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर दोस्तों, यह तो हुआ साधारण अर्थ। चलिए अब आंधी तूफान से जुड़े सभी सपनों के बारे में विस्तार से बात कर लेते हैं। सपने में आप देखते हैं कि आंधी या तूफान जा चुका है और उसने पूरे शहर को तबाह कर दिया है, यानी आप सपने में तूफान से हुई बर्बादी को देखते हैं, तो ऐसा सपना कारोबार में होने वाली बर्बादी की ओर इशारा करता है। दरअसल ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को अपने कारोबार में अचानक से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कुछ दिक्कतें ऐसी होती हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है। वैसे यह भी देखा गया है कि ऐसा सपना देखने वाला व्यक्ति अपने दिमाग में ऐसी मुसीबत का सामना कर उन्हें दूर कर लेता है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को राम रक्षा स्रोत का पाठ करना चाहिए ताकि सपने के दुष्प्रभावों से बचा जा सके। अब अगर सपने में आप देखते हैं कि एक तूफान आपकी ओर बढ़ रहा है और फिर आपका सपना टूट जाता है, ऐसा सपना एक बुरा सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले भविष्य में कोई मुसीबत आने वाली है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। सपने में यदि तूफान आपकी ओर बढ़ रहा हो और उसके बाद आप उस तूफान में फंस जाते हैं तो ऐसा सपना भी अशुभ सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आपकी जिंदगी में एक साथ बहुत सी मुसीबतें आने वाली हैं, यानी आने वाले समय में आप अपने आप को चारों ओर परेशानियों से घिरे हुए पा सकते हैं। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए ताकि सपने के बुरे प्रभावों को कम किया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आप एक तूफान में घिर चुके हैं और आपकी मौत हो जाती है तो यह सपना भी एक अशुभ सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आप मानसिक परेशानियों से घिरने वाले हैं। यह सपना भविष्य में आपके कमजोर मनोबल की ओर इशारा करता है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए ताकि सपने के बुरे प्रभावों से बचा जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आपके आसपास बहुत तेज आंधी चल रही है और उसके साथ जोर जोर से बिजली चमकने लग जाती है, ऐसा सपना भविष्य में होने वाले आर्थिक नुकसान की ओर इशारा करता है। यदि सपने में आंधी के साथ बरसात को होते हुए देखते हैं तो ऐसा सपना एक अशुभ सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले भविष्य में आपके कार्य में छोटी बड़ी अनेक प्रकार की दुविधा एक साथ आने वाली है, ऐसे में आपके कार्य में आपको भरपूर नुकसान भी हो सकता है। वहीं दूसरी ओर आप सपने में किसी आंधी तूफान को अपने से दूर जाते हुए देखते हैं तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है। यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले दिनों में आपकी सभी परेशानियां दूर होने वाली है, आप चिंता मुक्त होने वाले हो। इसके अलावा अगर आप सपने में देखते हैं कि एक आंधी आपके पास से गुजर जाती है या आप किसी आंधी या तूफान को अपने सामने से जाते हुए देखते हैं तो यह भी एक शुभ सपना माना जाता है और यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले दिनों में अपनी सभी परेशानियों से, अनचाहे मुसीबतों से आप छुटकारा हासिल करने वाले हैं, यानी आपका जीवन बेहतर होने वाला है। अब बात करते हैं ऐसे सपनों की जहां आप किसी आंधी तूफान में फंसे लोगों को बाहर निकाल रहे हैं तो यह सपना एक शुभ सपना माना जाता है। यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आप जल्दी ही किसी बड़ी बीमारी से छुटकारा पाने वाले हैं। अगर आप काफ़ी समय से कोई बीमारी से परेशान हैं तो सपने में आंधी देखना यह बताता है कि यह बीमारी जल्दी ही ठीक होने वाली है। दरअसल यह सपना दीर्घायु होने का और स्वस्थ जीवन जीने का इशारा करता है। सपने में आप देखते हैं कि आप किसी पहाड़ी पर खड़े हैं और अचानक से एक तूफान के बीच आप गिर जाते हैं, यह सपना एक अशुभ सपना माना जाता है।
यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आप किसी बीमारी से ग्रसित होने वाले हैं। अगर आपको सपने में यह दिखाई दे तो अपने स्वास्थ्य को लेकर चौकन्ने हो जाएं। इसके साथ ही ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए ताकि सपने के बुरे प्रभावों से दूर जा सकें। आप सपने में देखते हैं कि आप आंधी तूफान को देख नहीं पा रहे हैं पर आपको आंधी तूफान की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ऐसा सपना एक शुभ सपना माना जाता है और यह सपना आने वाले जीवन में होने वाले धन लाभ की ओर इशारा करता है। सपने में आप देखते हैं कि एक तूफान भारी बारिश और बिजली के साथ आपकी ओर बढ़ रहा है पर आपके पास पहुंचने से पहले वो तूफान बिल्कुल शांत हो जाता है, तो ऐसा सपना एक शुभ सपना माना जाता है। यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपकी जल्दी ही पदोन्नति होने वाली है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए ताकि सपने के अच्छे प्रभावों को बढ़ाया जा सके। सपने में आप देखते हैं कि आप किसी पानी पर चलते हुए जहाज पर खड़े हुए हैं और सामने से एक तूफान हवा में पानी को उड़ाते हुए आपके पास आ रहा है और वह तूफान आपको अपने आगोश में ले लेता है, तो ऐसा सपना एक अशुभ सपना माना जाता है और यह सपना किसी बड़ी दुर्घटना की ओर इशारा करता है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को संभल कर रहना चाहिए और अपने हर कदम को सोच समझकर उठाना चाहिए। सपने में आप देखते हैं कि आप नदी या तालाब के पास खड़े हैं और अचानक से एक तूफान शुरू हो जाता है जो नदी या तालाब के जल को आसमान में उड़ा ले जाता है और फिर आपके ऊपर बारिश शुरू हो जाती है, तो यह एक शुभ सपना माना जाता है। यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आने वाले समय में आपकी अचल संपत्ति में बढ़ोतरी होने वाली है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को अपने कुलदेवी के मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए ताकि सपने के अच्छे प्रभाव को बढ़ाया जा सके। सपने में आप आंधी को अपने पास आते हुए देखते हैं और आप देखते हैं कि जैसे जैसे आंधी आपके पास आती जा रही है वैसे वैसे वो एक रेत के तूफान में बदल जाती है। फिर आप रेत के तूफान में घिर जाते हैं और आपको रेत के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसा सपना एक अशुभ सपना माना जाता है। यह सपना इस बात की ओर इशारा करता है कि आप जिस चीज पर पिछले कुछ सालों से मेहनत कर रहे थे वह मेहनत पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति को माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए ताकि सपने के बुरे प्रभावों से बचा जा सके। अगर आपको अभी तक आए सपनों में कुछ अलग सपना आया है या सपनों के बारे में आपका कोई प्रश्न है या आपको कोई विशेष सपना आया है तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं जिससे हम रिसर्च करके उसका वीडियो आपके लिए बना सकें। हमारा वादा है कि हम आपके सपने पर पूरे अध्ययन और विश्लेषण के बाद वीडियो जरूर लेकर आएंगे। ये देखिए उन सभी किताबों का भंडार जिनसे हम आपके सामने प्रूफ और विश्लेषण के साथ सही और पूरी तरह सटीक जानकारी लेकर आते हैं। और कृपया करके ऐसे चैनल से सावधान रहें जो व्यूज के चक्कर में गलत जानकारी दे रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।